नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी आईबीपीएस का एग्जामिनेशन 4 तारीख को है पीयू का। इसके बाद जो आईबीपीएस पीयू नोटिफिकेशन 2019 4000+ पोस्टें जो है वो आ चुकी है, आईबीपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फुल डिटेल्स इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, आपको कौन सा आपके लिए क्वालिफिकेशन, कितनी एज इसके अंदर ज़रूरी है, फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो किस बैंक से कितनी वैकेंसीज है, क्योंकि ये ऑल इंडिया पेपर होता है और ओवरऑल जितने भी प्राइवेट पब्लिक सॉरी पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक हैं उनकी वैकेंसीज करवाता है। तो अपने बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसीज की, और ये जो 4100 वैकेंसीज आई हुई है इससे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये वैकेंसीज अभी उन्होंने रिलीज की और इसके अंदर टेंटेटिव लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे ये वैकेंसीज आपको 8000+ तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार रिटायरमेंट ज़्यादा है तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आएगी। आईबीपीएस क्लरिकल के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का। इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी, अगर आप 10 नंबर लेके आ सकते हो 30 में से, तो आईबीपीएस पीयू आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए अपने नोटिफिकेशन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है नोटिफिकेशन के। देखिए, ये नोटिफिकेशन आईबीपीएस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रिलिमरी और मेन एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह सब इसके अंदर अपने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो 7 अगस्त 2019 से 28 अगस्त 2019 तक आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इन्हीं डेट्स के बीच में, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पेमेंट भी आपकी इन्हीं डेट्स के अंदर होगी, और जो आपके प्री एग्जाम ट्रेनिंग के कॉल लेटर वो सितंबर के अंदर आएंगे, और प्री एग्जामिनेशन जिनका ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग जिनकी है वो आपका 23 और 28 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है आपकी प्रीलिमरी एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर सब अक्टूबर में आएंगे, और जो डेट है प्रीलिमरी एग्जामिनेशन की वो पहले से डिसाइड होती है इनके आईबीपीएस के कैलेंडर के अंदर। तो 12, 13, 19 और 20 अक्टूबर जो है वो डेट इन्होंने डिसाइड कर रखी है पहले से, और इन्हीं डेट पे आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होगा। रिजल्ट आपका अक्टूबर या नवंबर में आएगा, और जो मेन्स एग्जामिनेशन आपका है वो 30 नवंबर 2019 को है, यानी 30 नवंबर 2019 को आईबीपीएस पीयू का मेन्स एग्जामिनेशन है 2019 का। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू है वो जनवरी के अंदर होता है, कंडक्ट करवा लिया जाता है जनवरी या फरवरी के अंदर 2020 के अंदर, और अप्रैल 2020 के अंदर आपका फाइनल जो अलॉटमेंट आपको मिलता है, जो बैंक आपको अलॉट किया जाएगा उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। अब बात करते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 20 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए, यानी मिनिमम 20 होनी चाहिए। 20 से अगर आपका मौत इस फॉर्म को लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप भर सकते हो, पर आपके लिए जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा अगर आप 20 से कम हो और 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ मेंशन करेगी कि इससे पहले और इसके बाद वाले जन्म है वो काउंट नहीं किए जाएंगे, इनके बीच वाले जन्म ही काउंट किए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, सर हमारा जन्मदिन ये क्या हम भर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर अगर आप आते हो इन डेट्स के तो ये आप भर सकते हो, इसके बाहर हो तो आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। और जो रिले सेक्शन है वो देखिए 5 साल का वगैरह यहाँ पे मिलता है जिस भी कैटेगरी के लिए। और ये देखिए अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या, ये डिग्री इन डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इन्होंने आगे क्या लिख रहा है, मस्ट प्रोसेस द मार्क्स डिग्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सीरीज ग्रेजुएट है रजिस्टर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ, यानी जो भी लोग अपीयरेंस वाले हैं यानी जिनका फाइनल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट की डेट है वो मांग रखी है। अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट तारीख जो है ऑनलाइन फॉर्म की उस तक आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लास्ट डेट जो फॉर्म के अंदर मांगी गई वो डेट मांगी गई है रिजल्ट की, या इस दिन हमारा रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका था तो वो डेट आपको यहाँ पे मैंशन करनी पड़ेगी। और अपने इसके अंदर देख लेते हैं कुछ, देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो लास्ट ईयर के साथ सेम ही रखा है इन्होंने। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स पे 20 मिनट मिलेगी, क्वांटिटी अपनी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट मिलेगी, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और जो टाइम आपको कंपोजिट सेपरेटली टाइम है, सॉरी कंपोजिट नहीं है यहाँ पे, तो आपको 60 मिनट मिलेंगे सेपरेटली 20 20 मिनट के। और रीजनिंग एंड ये देखिए मेंस का सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़, कैंडिडेट हैव क्वालिफाई ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ईच ऑफ है, यानी इंग्लिश रीजनिंग मैथ तीनों के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करना पड़ेगा, ओवरऑल कट ऑफ पास करना पड़ेगा, तभी आप आगे के लिए मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, एसबीआई के अंदर नहीं था। मेंस की बात करें देखिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग, इन डिस्क्रिप्शन जो आपका है वो भी होगा इसके अंदर। तो
तो ये चीज़ें आपकी रहेगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू है, बस इतना सा एक प्रोसेस है इसका। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दी कि फीस देखिए यहाँ पर इन्होंने 600 रुपये रखी है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है इसको। 600 रुपये फीस रहेगी जर्नल के लिए, 100 रुपये SC ST PWD के लिए फीस रहेगी यहाँ पे ऑनलाइन फीस। अब वैकेंसीज की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वैकेंसीज इन्होंने देर की है, जो टोटल 17 बैंक्स है उनकी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए जर्नल की जो वैकेंसीज है, यहाँ पे EWS की है, यहाँ पे OBC SC ST की, ये सभी वैकेंसीज की डिटेल है। टोटल जो वैकेंसीज अपनी है 4336 वैकेंसी दी हुई है। ये इंक्रीज होगी क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने देखिए NR0 लिख रखा है, तो ये बैंक भी अपनी वैकेंसीज रिक्वायरमेंट है जो वो आने वाले समय में दे देंगे IBPS को कि हमारे पास इतने पद खाली पड़े हैं। तो आप उसके अंदर फिर वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, न्यू नोटिफिकेशन अपडेटेड होगा। तो ये आप मत सोचिए कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसी इस बार बढ़ेगी और बढ़ेगी वैकेंसीज, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी। देखिए इलाहाबाद बैंक के अंदर टोटल 500 वैकेंसीज है, और यहीं अगर अपने बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 899 वैकेंसीज है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर 350 वैकेंसीज है, और केनरा बैंक की बात करें 500 वैकेंसीज है। कॉर्पोरेशन बैंक में 150 वैकेंसीज है, इंडियन बैंक में 493 वैकेंसीज है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 300 वैकेंसीज है, और यूको बैंक के अंदर 500 है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 644 PO की पोस्टें हैं। यानी बहुत अच्छा चांसेस है, वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको डेट बता दी 7 से 28 तारीख तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ।